एक बार मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद में फिर फाइनल करेंगे। एक बार वो डार्क लाइन से इसके आउटलाइन बना देंगे, छोटी पेंटिंग है। आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? दो मिनट चुकी है, और एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद में फिर और डिटेल में बात करेंगे। चलिए, 2 मिनट का काम हो रहा है अपना, और उसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे। तो एक हाथ और बना लेते हैं।
2 मिनट थोड़ा सा काम हो रहा है ड्राइंग का, तो यहाँ से ये जो पल्लू आ रहा है, यही पल्लू आता है इधर जाओ, चलिए कलर स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइंग का प्रोसेस तो करीब करीब हो गया, अब हमें क्या करना है कि इसमें जो आउटलाइन बनाएंगे पहले कलर से ही, तो कलर से आउटलाइन बनाने के लिए एक बार हम कलर लेंगे, मैं आपको कलर भी बताऊंगा। पहले थोड़ा प्लेट को साफ कर लेते हैं तो आप अच्छे से देख पाए, ठीक है। तो मैं प्लेट में ले रहा हूँ थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रंट अंबर ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रंट अंबर लिया मैंने, और इसमें मिलाना है थोड़ा सा रेड, ब्रंट अंबर में थोड़ा सा रेड मिला लें, और हल्का सा इसमें लिंसेड ऑयल ऐड करना है, हल्का सा लिंसेड ऑयल ले लें, लिंसेड ऑयल ले करके और यहाँ से जो है आउटलाइन को परफेक्ट करना है। तो ये बालों के लिए हो गया, यहाँ से थोड़ा सा डार्क करेंगे तो ये एरिया बाल जो है यहाँ से आए, और हल्का सा यहीं से ही फोरहेड लग गया, तो यहाँ से एक बार डार्क कर दें ये वाला पार्ट, यहाँ पे हल्का हल्का डार्क कर देना, और आईलिड यहाँ से थोड़ा अंदर करेंगे फिर आईलिड बनाएंगे, ये और ये कट दोनों ऐसे आने चाहिए इस सिमेट्री में। उसके बाद में यहाँ से नोज की जो लाइन है ये घुमानी है और ऐसे टर्न करवाएं, ठीक है, नोज को यहाँ से टर्न करवाएं। इसके बाद यहाँ से ये नोज टेल बनाना है, नोज टिल के बाद नोज की सेप ये होगी, ये वाला पार्ट जो है हल्का सा घूम के अंदर जाएगा, ठीक है, हल्का सा अंदर कर दीजिए, और यहीं पे इसका जो सेंटर से नोज की पिन बनानी है और एक मोती यहाँ पे देना है, यहाँ पे एक मोती भी बना दें, ठीक है। छोटी पेंटिंग है तो थोड़ा संभल के करना पड़ेगा। ये सेंटर आ गया है लिप्स का, तो लिप्स के सेंटर से जो इसमें अपर लिप्स है वो थोड़ा छोटा बनाना है, या स्माइल के लिए हल्का सा इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, ठीक है, तो ज़्यादा स्माइल भी नहीं चाहिए, हल्का सा जेन्युइन स्माइल, यहाँ से थोड़ा यूँ लेके और राउंड करके इसको नीचे लाना है यहाँ से, फिर डाउन लिप्स बनाना है। चलिए लिप्स के बाद में आते हैं आईज पे, तो ये आईब्रो हल्का सा फिर इसी के लेवल में, यहाँ से आईब्रो ले रहे हैं, ठीक है, तो ये लाइन ऐसे और ये लाइन यहाँ तक आपको दे रहे हैं। चलिए उसके बाद फिर डार्क लाइन करेंगे, तो इसी में आप यहाँ पे आईज की जो ऊपर की पलक है ये थोड़ा सा डार्क कर लें और इस तरीके से निकाल दें, फिर यहाँ पे आपको लेना है आईलिड की लाइन, क्लियर। चलिए इसी कलर से हम डार्क कर देते हैं आईब्रो,
और यहाँ से थोड़ा कट लगाया, इसके जस्ट यहाँ से आपको ऐसे आइज़ बनाना है। आइज़ के नीचे थोड़ा सा डार्क पार्ट है, हल्का सा ऐसे डार्क कर देना। ये वाला पार्ट यहाँ से थोड़ा सा डार्क आएगा कलर, इसके यहाँ से थोड़ा सा डार्क करना है, इसका लेवल इतना रखते हैं। चलिए दूसरी आइज़ बना रहे हैं। यहाँ पे चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें अलग से या तो ब्लू या ग्रीन टच कर सकते हो, इसमें थोड़ा सा कलर। ये वाला आईब्रो के लिए भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और ये जो लाइन है इसके लिए भी ले सकते हैं। तो इधर जैसे ये लाइन ज़्यादा डार्क है, तो यहाँ से इस तरफ की लाइन जो है थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है ये वाली। उसके बाद में यहाँ आईबोल, इस तरीके से आईबोल बना दें। फिर यहाँ से आइज़ घुमानी है, आइज़ घुमा दें, फिर इसके नीचे थोड़ा सा डार्क पार्ट कर दें इस तरीके से। चलिए यहाँ जो लिप्स के नीचे यहाँ थोड़ा सा डार्क करना है, और चिन जो है डबल चिन है, मतलब थोड़ा सा चिन है यहाँ पे और ज़्यादा ये डबल दिखेगा ये पार्ट, तो यहाँ से डबल चिन बनानी है। फिर ये लाइन आप सिंगल ले लीजिए इस तरीके से। चलिए अब आते हैं इस तरफ, जहाँ ये कट लगाए हैं यहीं से आपको ये लाइन लेनी है। ये जब नोज़ के लेवल पे आ जाए तो यहाँ से अंदर की साइड कर देना है इसको, अंदर करके जैसे लिप्स ख़त्म हो जाए इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे हल्का सा इस तरीके से, और इसमें बैंड देते हुए इसमें मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो बाल इस तरफ निकालने हैं, यहाँ थोड़ा कट लगाएंगे, ऐसे कट लगा के राउंड देंगे हल्का सा, फिर यहाँ से प्लेन करेंगे बालों को इस तरीके से। यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ये लाइन है यहाँ से ये लाइन, तो ये आएगी आपकी लाइन कान के लिए। यहाँ से हेयर की लाइन देंगे, यहाँ से वापस ऐसे घुमाना है, ये लाइन आपकी यहाँ आ जाएगी ऐसे, और इधर से हल्का सा आप ऐसे ये जो स्किन का पार्ट यहाँ से उठा होता है, फिर यहाँ डेप्थ का पार्ट आता है, तो यहाँ से थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये लाइन अंदर घूम जाएगी, एक लाइन यहाँ से एक बाहर की लाइन इस तरीके से आप बना दें। इसके बाद में यहाँ पे कान का बनाना है, कान के बाद में थोड़ा सा छोटा सा एक गोला सर्कल सा बनाए, उसके बाद में यहाँ पे आपको कान की डिज़ाइन बनानी है। इसमें राउंड शेप देना थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से कट लगा के और तिरछी लाइन देंगे, ये गर्दन की लाइन होगी, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे गर्दन वाले पार्ट को, हल्का सा डार्क कर देंगे इस तरीके से, और जहाँ नोज का लेवल है यहीं से हेयर की लाइन और देंगी आपको, यहाँ से हेयर बना लेंगे, ठीक है। ये भी हेयर का पार्ट आएगा, एक जो है इसी जगह से हल्का सा हेयर नीचे, तो ये ड्राइंग में तो आप कर सकते हैं ना। चलिए ऊपर ऊपर की तरफ देखते हैं, यहाँ से यूँ जाके ये कट लगाना है, थोड़ा सा बैंड देके फिर यहाँ से इस तरीके से राउंड शेप, ठीक है। वैसे तो यहाँ से भी राउंड बनता है, तो यहाँ से दे सकते हैं, पर हम यहाँ से दे रहे हैं। अच्छा, ये जो कान के यहाँ से थोड़ा सा बाल ऐसे निकल के आएंगे, तो ये थोड़ा सा राउंड दे दें इस तरीके से, यहाँ से कुछ हेयर ऐसे निकल रहे हैं, तो ये लाइन आप यहाँ से देंगे, एक कुछ बालों की लाइन यहाँ ऐसे बना, उसके बाद जस्ट इसके पास एक और लाइन देंगे, वो भी इसके पास पास में ऐसे चले, तो ये हेयर की लाइन देंगे। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इसको कर्व लाइन लेना है, यहाँ से कर्व लेते हुए और यहाँ से ये ब्लाउज का पार्ट बनाएंगे, और एक लाइन यहाँ से डार्क देंगे, ये थोड़ी तिरछी लाइन करेंगे इस तरीके से,
ये पार्ट यहाँ से इसमें मिक्स हो जाए तो ये बाजू का पार्ट आ गया, यहाँ से बाजू। चलिए यहाँ पे हमें मोतियों की माला देनी है यहाँ पे, तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। ये भी ऊपर से बनाने वाले हैं तो इसको भी छोड़ देते हैं। अच्छा चलिए ये हो गया, ऊपर से लाइन लेके आते हैं पहले। ये लाइन आपकी नीचे तक चली जाएगी, नीचे जो है आप यहाँ तक दे सकते हैं। चलिए दूसरा हाथ बनाते हैं। यहाँ पे दो लाइन लेनी, एक तो पहले एक हाथ यहाँ पे बनाएं, एक कट, फिर यहाँ से दूसरा बैंग, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये कट यहाँ तक लाया, फिर दूसरा यहाँ पे दिया, फिर तीसरा इसके लिए भी। एक और हाथ का हल्का सा हिस्सा यहाँ पे दिखाना है, दूसरी उंगली का हिस्सा, और यहाँ सेंटर से ये एप्पल दिखाना है, एप्पल है या नींबू है जो भी, ये ऐसे लें। यहाँ से थोड़ा सा शेप जो है इसकी नीचे से छोटा करना है, ऊपर जो है राउंड शेप में, ठीक है, ये वाला राउंड शेप रखें और नीचे थोड़ा सा इसको ओवल शेप टाइप में कर दें। अच्छा ये उंगलियों के बाद में ये आड़ी लाइन जो है उंगलियों की लास्ट की लाइन होगी, यहाँ से आपको उंगलियों के पास से होते हुए अंगूठा बनाना है, ये अंगूठे का शेप हो गया। यहाँ हल्का सा बैंड, ये पीछे का हिस्सा भी इसमें दिखा सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे ये जो डार्क किया है ये थोड़ा सा पीछे का हिस्सा है, और यहाँ से बैंड देना है आपको। इस तरीके से यहाँ पे नेल बना दें, थोड़ा सा इस तरीके से नेल बना दें, फिर दूसरी वाली इसमें थोड़ा यहाँ गेप दे सकते हैं थोड़ा सा, दूसरा पार्ट यहाँ से लेना है, इसमें एक कट और दूसरा कट यहाँ पे, ठीक है, तीसरे का ये राउंड आ जाता है। तो ये बना दें, अब यहाँ से आपको ऐसे हाथ लाना है, या हल्का सा राउंड शेप है, हल्का सा राउंड शेप करना है, और ऊपर जो है ये यहाँ से स्टार्ट कर देना अंगूठा, ये इसमें थोड़ा सा हिस्सा इसके पीछे चला गया, तो यहाँ थोड़ा सा हिस्सा दिखाएंगे, यहाँ थोड़ा सा नेल भी बना दें, और कर्व लाइन लेते हैं ऐसे आना है, फिर इसको ऐसे राउंड कर, तो यहाँ पे आपको हल्का सा बैंड देना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे एक कं ये जो हाथ की जो चूड़ियाँ हैं इसमें एक गोल्डन है, तो वहाँ पे आपको येलो कलर करना है। अच्छा एक चीज़, अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, आप जितने लाइक करेंगे उतना ही आगे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और मेरी भी जो है मेरे काम को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो उन लोगों को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अभी 35 लोग लाइव है, अगर 35 दो दो जगह भी शेयर करते हैं तो 70 जगह अगर पहुँचेगा तो काफ़ी लोगों तक मैं पहुंच सकता हूं। और ये आपके आपकी मान लीजिए फीस कोई नहीं है, ये फ्री क्लास है, तो आपकी फीस मान लीजिए यही कि आप शेयर करेंगे तो यही फीस होगी, और मेरा मनोबल भी बढ़ेगा ताकि मैं और जो आगे की क्लासें कर सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट मिले। तो आपका भी है बेनिफिट और मेरा भी बेनिफिट है कि जितनी अगर ऑडियंस होगी, जितने लोग होंगे, तो मुझे भी काम करने का ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे काम करना। तो इसमें आपका रोल सबसे बड़ा है, तो आप प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रत्येक आदमी जो है, प्रत्येक स्टूडेंट जो है, वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेविक्रील पे या कैमलिन पे ज़्यादा से ज़्यादा दो तो एक आदमी शेयर कर ही सकते हैं, तो इतना सा आपसे रिक्वेस्ट है। तो इससे क्या होगा कि मेरा भी मनोबल बड़ा रहेगा, और मैं देखता हूँ कि कई लोगों की क्लास में मतलब काफ़ी पब्लिक रहती है तो उनका उत्साह बढ़ता रहता है, और उनको भी लगता है कि शायद हाँ उनके काम में क्वालिटी है, और अगर पब्लिक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि मेरे काम में क्वालिटी नहीं है, मैं ऐसे ही टाइम पास करके चला जाता हूँ, तो मनोबल थोड़ा सा कम रहता है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा,
तो वो पब्लिक तक अपन पहुंच सके। चलिए इसके बाद में यहाँ पे ये ग्रीन की लाइन यहाँ तक दे देता हूँ, बीच में ये कट लगाना है और यहाँ से थोड़ा सा तिरछा लाइन दे रहा हूँ। अब यहाँ जो हाथ की शेप है वो ऐसा यूँ ले जाना है, फिर एक लाइन इधर से। मैं आपको फर्स्ट ही कोट करके बताऊंगा इसमें, वैसे फर्स्ट कोट में नहीं होती पेंटिंग, ठीक है। फर्स्ट कोट काफ़ी कम पड़ जाता है किसी पेंटिंग बनाने के लिए, तो ये सेकंड और थर्ड कोट में है तो फ्री की क्लास है ये, और टाइम भी जैसे लिमिटेड होता है अपने पास, एक घंटे आधे घंटे का हम टाइम देते हैं और संडे का ही रहता है, तो उसमें पूरा तो नहीं दिखाया जा सकता, पर जितना पॉसिबल है एक कोट में ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। और कई लोगों ने मुझसे काम करके दिखाया भी, मैंने जो मतलब एक डेढ़ महीने पहले जो लाइव क्लास ली थी और उसका आज भी किसी ने भेजा था, इतना अच्छा बनाया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो इस तरीके से जो अगर लाइव पेड क्लास में नहीं आ सकते वो लोग भी अगर कर रहे हैं, सीखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि वो उनकी जो इच्छाएँ हैं वो पूरी हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, तो इस वो तभी पॉसिबल है जब आप लोग ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। ये इसमें आपका रोल सबसे बड़ा है, और जितने भी हैं जैसे आज देख रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे ये अपना जो ड्राइंग वाला प्रोसेस है करीब करीब पूरा होने को आया है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे, मतलब जैसे इसमें जो रेड कलर की ये साड़ी है ना, ये रेड नहीं करूँगा और ये वाला मैं येलो में ही एक ही कलर में बनाऊँगा, ठीक है। फेस ज़रूर अपना पूरा रहेगा पर बाकी का पार्ट जो है वो एक ही कलर में बनाना है। चलिए हाथ के यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से आपको रिंकल लेने हैं ऐसे, ये ऊपर की तरफ कपड़ा जो खींच रहा है इसके रिंकल बनाने हैं, और उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, इसमें एक लाइन पतली सी यहाँ पर लेनी है। और इसके जस्ट यहाँ से दूसरा कपड़ा, अच्छा ये जैसे डबल लाइन देने के बाद में ऐसे पतली सी पट्टी आपकी येलो कलर की आएगी, और यहाँ से ही थोड़ा कलर और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने रेड और प्लस ब्रंट साइना लिया है, तो एक पतली सी पट्टी इस तरफ से दिखाएगी। तो ड्राइंग वाला पार्ट करीब करीब पूरा हो गया, हल्का सा जो कपड़ा है वो यहाँ से दिखाना है, एक यहाँ से लिया और इस हाथ को कवर करता हुआ यहाँ से एक रिंकल ऐसे दे दीजिए, फिर यहाँ से कपड़ा दिख गया, एक रिंकल यहाँ पे दे दिया और एक इस तरीके से, ठीक है, कुछ कपड़े का इस तरीके से यहाँ से काट दिया। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ से घुमाते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है इस तरीके से घुमाएं, यहाँ पे थोड़ा डेप्थ का पार्ट, उसके बाद फिर यहाँ से कपड़ा जा रहा है और एक और दो रिंकल। चलिए ड्राइंग वाला प्रोसेस तो अपना पूरा हो गया है, ठीक है। अब फेस पे आते हैं, तो इसमें जो फेस बनाया हुआ है इसमें ज़्यादा जो ऑरेंज कलर का जो इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है, यानी हल्का सा येलो टोन है, पर हम अपना ही अपने तरीके से ही इसमें फेस बनाएंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आप फेस को अच्छे से देख पाएँ, ठीक है। तो कलर स्टार्ट करते हैं। अब कलर के लिए हमें देखिए इसमें जो लाइट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, यहाँ से हाईलाइट होगी वो ऊपर आएगी और उसके बाद में थोड़ा सा पार्ट डेप्थ का मतलब इस तरफ आ रहा है, तो ऊपर से हम लाइट कलर लगाएंगे और नीचे हम थोड़ा सा डार्क कलर लगाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कोट ही करेंगे, पूरी कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी, मतलब एक ही कोट करूँगा, ऑयल में काफ़ी टाइम लगता है, ऑयल जो पेंटिंग है वो कम से कम 2 से 3 कोट में जाके फुल फिनिश्ड होती है, तो सिंगल कोट में एक पेंटिंग की कल्पना करना या एक पेंटिंग को कंप्लीट करना पॉसिबल तो नहीं है,
पर फिर भी जितना हो सके आपको सीखने को काफ़ी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हल्का सा हम ऐसे डार्क कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, हल्का सा यहाँ से ये एक बैलेंस बनना चाहिए। और ये जो लिप्स का एरिया है ये यहाँ से इस तरफ ये कान के लेवल तक जाएगा, तो यहाँ पे हम कलर अलग लेंगे। और यहाँ से ये कलर इधर से थोड़ा सा डार्क होता है इस तरफ आएगा। सो अब हम इसके लिए कलर ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम वाइट कलर लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वाइट कलर लिया, हल्का सा इसमें लिंसेडोल मिला रहा हूँ मैं, और बहुत हल्का सा इसमें ब्लू टच करना है, बहुत हल्का सा ब्लू। तो ये कलर यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा गहरा कलर नहीं आया कि, और वाइट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहे, तो ये ब्लू हल्का सा ज़्यादा हो गया है क्योंकि मैंने मिक्स नहीं किया है, तो ये थोड़ा सा गहरा हो गया, पर अपने को हल्का सा लाइट कलर ही लेना है और इसमें फिलिंग कर देते, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट करके और ये जो आईबॉल है इसमें भर देता हूँ। वैसे आईबॉल में अपने को ज़्यादा इसमें कलर नहीं करना है, सिर्फ आप थोड़ा सा येलो टच कर सकते हैं इसमें, हल्का सा येलो, यहाँ पे हल्का सा येलो दे दें, क्लियर। चलिए ब्रश को साफ करते हैं, लिप्स की तरफ आते हैं। लिप्स के लिए मैं थोड़ा सा रेड कलर ले रहा हूँ, हल्का सा रेड लेना है और थोड़ा सा लेना है वाइट, ठीक है। और इसमें मिला रहा हूँ मैं थोड़ा सा लिंसेड ऑयल, यहाँ पे थोड़ा लिंसेड ऑयल रखा है, जरूरत के हिसाब से हम ले लेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है कि हल्का सा डार्क कलर कर लें, डार्क कलर करके और ये जो लाइन है ये वाली लाइन इसको थोड़ी सी डार्क कर लें, ये लिप्स का ये पार्ट यहाँ से इतना पार्ट आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। लिप्स इस तरीके से बना लें, यहाँ पे डार्क कर लें। अब ब्रश को एक बार क्लीन कर लें, ये जो वाइट मिलाया है रेड के अंदर तो ये कलर लेना है और इसमें आराम से फिलिंग कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो मोती वगैरह है ये हम बाद में बना सकते हैं, तो ऐसे फिलिंग कर दें। फिर थोड़ा सा वापस वाइट लें, वाइट कलर आपको यहाँ पे लगा देना है, थोड़ा इसमें रेड भी मिला लें, तो यहाँ पे आप इसमें फिलिंग कर दें आराम से, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से मैं हल्का डार्क कर रहा हूँ। लिप्स के बाद में, लिप्स का अपना कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आते हैं ऑरेंज कलर पे। तो थोड़ा ऑरेंज कलर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर लिया है और इसमें डालना है थोड़ा सा वाइट, ठीक है। और थोड़ा सा लेंगे लिंसेड ऑयल, थोड़ा सा लिंसेड ऑयल लेंगे और हल्का सा रेड और ऑरेंज को यानी थोड़ा सा इसमें मिक्स कर लें और इसमें लिंसेड ऑयल थोड़ा सा डाल लें। यहाँ पे आपको हल्का हल्का ऑरेंज कलर लगाना है, जिस तरह थोड़ा बहुत यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है, ये लगा दें। फिर इसमें थोड़ा लाइट कलर लें और इसको मिक्स कर दें, इसके पास पास में थोड़ा सा मिक्स कर दें इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सा। और इसमें डालना है आपको वाइट, थोड़ा सा वाइट लें और लिंसेड ऑयल मिक्स कर लें वाइट में, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट कलर लगा दें। ठीक है, इस तरीके से ये कलर लगा दें। ये और थोड़ा सा वाइट लेंगे हम, हल्का सा वाइट और लेंगे और इसमें हल्का सा लिंसेड ऑयल डालेंगे, ठीक है। वाइट और लिया है, हल्का सा लिंसेड ऑयल डाला और यहाँ पे लगा दिया, ये वाले पार्ट में लगा दिया। चलिए इसके बाद यहाँ पे इस कलर को यहाँ पे घुमाते हैं, थोड़ा सा वाइट और डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा वाइट यहाँ पे लगा देंगे, थोड़ा सा यहाँ, क्लियर। चलिए अब थोड़ा इसमें हल्का सा रेड का टच देना है, हल्का सा रेड कलर ले लें, बहुत हल्का सा रेड लेना है,
रेड लेके यहाँ पे हल्का सा रेड की टच इस तरफ भी थोड़ा सा टच दे दें, थोड़ा सा ही लें, फिर इसमें वाइट लगा लें और इसको इस तरीके से लगा दें। फिर यहाँ पे लाइट ऑरेंज कलर लगा दें, यहाँ पे भी यही कलर ले लें लाइट ऑरेंज, ये कलर यहाँ पे लगा दें, इसके पास में भी लाइट ऑरेंज ऐसे लगा दें। थोड़ा सा स्पेस मैंने वाइट के लिए छोड़ दिया है और ये कलर आप यहाँ पे लेके आ जाएं। और इसके बाद में जो है ये थोड़ा सा कलर आपका यहाँ हल्का सा डार्क करके इस जगह लगाना है, फिर इसमें थोड़ा सा यहाँ ऊपर हल्का सा लाइट का इफेक्ट दे दो। अब हम वाइट लेंगे और थोड़ा सा वाइट लेना है, वाइट लेके अब यहाँ बीच के जो पार्ट है इस पे लगा देंगे। ठीक है, इतना यहाँ पे भी आप वाइट लगा दो। चलिए इतना पार्ट हो गया है, अब हम यही कलर है ना यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा लाइट कलर, और लिप्स में टच नहीं करना है, लिप्स के टच नहीं करना है, हल्का सा उससे हल्की सी दूरी बना के रखें। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ हल्का सा डार्क कलर इस जगह हल्का सा डार्क देना है, हल्का सा डार्क कलर देना है इस जगह, थोड़ा सा यहाँ पे भी डार्क देना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऑरेंज हम हल्का डार्क कर रहे हैं, ये डार्क ऑरेंज आपको यहाँ पे लगाना है, ऑरेंज को थोड़ा सा डार्क करके यहाँ पे लगाना है, थोड़ी बहुत लाइन इसके लेवल लेवल में यहाँ पे और दे दें इस तरीके से लगा दें। फिर इसको लाइट कर लें, थोड़ा सा वाइट मिला लें इसमें, वाइट मिला के यहाँ पे लगा देना है। यहाँ यहाँ पे इस तरीके से लगा दें, हल्का सा आपको फिर वाइट टच करना है इसमें, और हल्का सा वाइट से आप यहाँ पे लाइट कलर कर दें। क्लियर। चलिए हम दूसरी साइड में आते हैं, हल्का सा ये जो ऑरेंज है इसको थोड़ा सा रेड टच करके, और यहाँ पे आपको इस तरह थोड़ा सा डार्क करना है, थोड़ा सा डार्क यहाँ पे भी करना है। ठीक है, हल्का फुल्का डार्क यहाँ पे दे दें, और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे भी लगाना है यही कलर। चलिए थोड़ा सा लाइट कलर यहाँ पे देंगे, हल्का सा लाइट कलर और थोड़ा सा लाइट इस जगह, हल्का सा इसमें वाइट टच कर लें। फिर इसी कलर को आप नीचे लगा दें यहाँ पे, यहाँ हल्का सा डार्क कर दें, और ये लाइट कलर यहाँ पे लगा दें। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइट कलर आप यहाँ पे दें, यहाँ पे हल्का सा लाइट, ठीक है, हल्का सा आपको लाइट देना है, और फिर थोड़ा सा यहाँ पे ऑरेंजेस कलर इस तरफ लगा दें, और हल्का सा चाहे तो आप ब्रंट साइना ले लें, ब्रंट साइना से यहाँ पे हल्का सा जो नोज की लाइन है ये थोड़ी सी डार्क कर दें, नोज की लाइन को हल्का सा डार्क कर देना है इस तरफ से। क्लियर। चलिए तो ये अपना फेस फेस का काम कंप्लीट हो गया है, अब आते हैं नीचे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर कर दें, डार्क ऑरेंज तो मैं थोड़ा सा आप ब्रंट साइना ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए ये थोड़ा सा डार्क, ये जो डार्क वाला पार्ट है यहाँ पे लगा दें, हल्की सी यहाँ आउटलाइन बना लें, फिर आपको
लाइट कलर लेना है आप, हल्का सा लाइट कलर यहाँ पे लगा दें। अब लेना है आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट करते हुए चलेंगे इस कलर को, और यहाँ तक पे भाट में बनाएंगे माला वगैरह। तो अभी हम इतना पार्ट जो है ये कलर लगा देते हैं। इसमें अब हम लाइट कलर लेंगे जो यहाँ पे लिए हैं, वैसा ही लाइट कलर आपको यहाँ पे लेना है, हल्का सा इसमें डार्क मिला है। तो आपका कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और आप इजी वे से देख पाएंगे, ठीक है। चलिए इतना अपना काम हो गया है, अब आते हैं नीचे जो हाथ वाली लाइन है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो ये ब्रंट अंबर वाला कलर है यहाँ से इसकी आउटलाइन देंगे हल्की सी, यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा डार्क कर देना है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क की लाइन देनी है, ठीक है, यहाँ हल्के सी डार्क की, फिर नीचे यहाँ पे थोड़ा सा नेल की लाइन आप कट कर सकते हैं, इधर इधर हल्का हल्का डार्क कलर ऐसे दे देना है। चलिए यही लाइन जो है हम यहाँ पे दे रहे हैं इस तरफ भी और यहाँ से ये वाली लाइन एक यहाँ पे दे दे, इधर से थोड़ा सा डार्क कलर कर देना है अपने को, हल्का सा डार्क की लाइन यहाँ पे दे दे। अब आपको लाइट कलर वापस लेना है, ये इसी में लाइट कलर जो है ये आप यहाँ पे लगा दें एक बार लाइट कलर, और यहाँ चाहे तो ऊपर की जो लाइन है यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट लगा सकते हैं, और थोड़ी बहुत लाइन यहाँ पे। थोड़ा मैं ब्रश चेंज करता हूँ, हल्का सा बड़ा ब्रश ले लेते हैं तो अपने थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो हल्का सा मैंने डार्क कर लिया ये कलर, हल्का सा जो अभी लाइट की इसी को डार्क कर ले, ऑरेंज डाल करके यहाँ पे भी यही कलर लगा दें। थोड़ा सा लाइट और यहाँ पे इस तरीके से लाइट लगा दें। नीचे की तरफ जाएंगे तो हल्का सा डार्क कलर, ठीक है, यहाँ से हल्का हल्का डार्क आएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कलर लगा दें और नीचे ज़्यादा कर दें डार्क। यहाँ पे हल्का हल्का डार्क, हल्की सी यहाँ ऊपर की तरफ लाइट कलर की एक रोशनी दे दें, हल्का हल्का, ज़्यादा लाइट नहीं देना, हल्का सा लाइट देना है, और इसको इस तरीके से लगा दें। ठीक है, यहाँ एक बार थोड़ा सा ब्रश को ऐसे कर दीजिए और इसको भी थोड़ा सा मर्जिंग भी हो जाएगी इसकी। चलिए इस तरफ का करते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, हल्का सा छोटा ब्रश ले लें और थोड़ा सा जो लाइट कलर है वो एक तो यहाँ पे देना है इस साइड में, थोड़ा सा लाइट दे दें और थोड़ा बहुत जो है यहाँ हाईलाइट का दे दें, एक हल्की सी लाइन इस तरफ से देनी है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा रेड जो है रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रेड लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रेड ले लिया है, अब इसमें आप थोड़ा ऑरेंज भी मिला दें इस तरफ से, थोड़ा सा ऑरेंज मिला दें, बीच में हाईलाइट करनी है, यहाँ पे हाईलाइट करना है तो थोड़ा सा लाइट कलर दे दें और हल्का सा डार्क कलर इसके पास पास में इस तरीके से दे, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये जो रिंकल बनते हैं यहाँ पे कलाई के, तो यहाँ पे हल्का सा लाइट और डार्क एक हल्की हल्की लाइनें इस तरीके बनाते हैं। ऊपर ये लाइट कलर है,
नीचे जो हमें थोड़ा सा डार्क कलर लेना है, तो यही रेड वाला, रेड या ऑरेंज हल्का सा डार्क कलर चाहिए बस, जो हमने यहाँ पे लगा देना है। इस तरफ से एक साइड में डार्क लेना है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ले, थोड़ा सा जो नेल पे आप लाइट कलर यूज कर सकते हैं, हल्का सा लाइट लगा दें यहाँ पे, तो ये अलग दिख जाएगा नेल वाला पार्ट, ठीक है, हल्का सा अलग दिख जाए। और बाकी एरिया पे आप थोड़ा रेड और ऑरेंज या फिर थोड़ा सा डार्क कलर इसमें आउटलाइन के लिए ले सकते हैं, यहाँ डार्क की आउटलाइन इस तरीके से आप दे दें। चलिए, तो ये काम तो अपना हो गया। थोड़ा सा बॉडी पार्ट इस जगह से आप डार्क का दिखा सकते हैं, हल्का सा इस जगह डार्क का दिखा देना, तो अपना ये काम कंप्लीट हो गया। अभी काम करते हैं ऊपर जो बालों के लिए हम ब्रंट अंबर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रंट अंबर लिया और इसी में ये है ना थोड़ा लिंसेड ऑयल डाल लें और यहाँ पे आप डार्क कर दें इसका। थोड़ा बहुत जो है आप इसमें ग्रीन भी टच कर सकते हैं, जो आगे आगे की किनार है यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ग्रीन यूज किया जा सकता है। और बैकग्राउंड जो है यहाँ का हमें दिख जाए, तो हल्का सा इसमें मैं क्रिम्सन और थोड़ा सा ब्रंट अंबर और मिलाऊंगा, थोड़ा क्रिम्सन मिलाया थोड़ा ब्रंट अंबर मिला दूँ, तो यहाँ पे आप डार्क कर सकते हैं इसको। यहाँ से थोड़ा सा डार्क कर दो, ये वाला पार्ट है हल्का सा डार्क कर देता हूँ यहाँ तक। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा छोटा ब्रश लेना है, छोटा ब्रश लेकर के और यहाँ पे थोड़ा सा कलर को यहाँ पे लगा दें, डार्क कर दें हल्का सा इसको, ब्रंट अंबर ज़्यादा यूज कर लें, हाथों की कटिंग कर देनी है। चलिए, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ चाहे तो आप हल्का सा लाइट कर सकते हैं या फिर हम बैकग्राउंड में इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। और आप क्या करेंगे, ये जो कलर है इसी को ही थोड़ा सा और डार्क कर लें, क्रिम्सन ले सकते हैं इसमें, थोड़ा सा क्रिम्सन ऐड कर दें, तो हल्का सा डार्क करके यहाँ पे लगा दें ऐसे, नीचे जो डिफ्यूज़ कर देना है, यहाँ से आपको कलर को बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर देंगे हम, बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर देंगे। और प्लीज़ वापस से रिमाइंड कर दूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इसके दो बेनिफिट रहेंगे। एक तो क्या कि जो शेयर करेगा वो हमारे फेवरेट की लिस्ट में आ जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जैसे आप, मैं मान लीजिए मैं अगर डिलीट भी कर दिया तो कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो ज़रूर सेव मिलेगा, और या हो सकता है कि मेरे पेज से कभी डिलीट हो जाए तो किसी न किसी के उस पर वापस मिल जाए, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी को फ़ायदा होगा। आज जो एक मैम है उनका नाम पूनम जी जैन है, और उन्होंने मैंने जो एक पेंटिंग बनाई थी ऑयल पेंटिंग जो स्टार्टिंग में अपना पेज पे स्टार्ट हुई थी 1.5-2 महीने पहले, तो वो उन्होंने बनाई और वो इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत ही उन्होंने खूबसूरत बनाया जैसा मैंने सिखाया था करीब करीब, तो इतना अच्छा लगा बहुत ही। अब ऐसे खुशी होती है कि हाँ चलिए किसी को सीखने को मिला, और वो भी काफ़ी मतलब उन्होंने 20-25 साल बाद में बनाया वो, तो उनको भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। उनको नहीं पता था कि ये मैंने बनाया है, बस उन्होंने मेरे को सब्जेक्ट सेंड किया था और बाद में बात हुई तो फिर मैंने उनको बताया कि ये मैंने फ्री डेमो क्लास में किया था, तो बोला सर मेरे को नहीं पता था। तो
तो अच्छा है, चलिए किसी न किसी रूप में। पर वो किसी का अगर मान लो मेरे पेज पे नहीं पहुंचा या किसी और के पेज पे है और वहाँ से भी किसी को देखने को मिलता है तो अच्छी बात है, और कभी न कभी किसी न किसी का तो भला हुआ। चलिए इतना पार्ट अपना कंप्लीट हो गया है, और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीन लेंगे, हल्का सा ग्रीन, और यहाँ पे ग्रीन लेते हैं, थोड़ा इसमें येलो टच कर देंगे, में हल्का सा येलो और हल्का सा लिन शेड ऑयल भी डाल लें। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ग्रीन कलर लगा देते हैं इस वाले पार्ट में, थोड़ा नीचे कर दूँ ताकि आप अच्छे से और देख पाएँ। और प्लीज़ मुझे नहीं पता कि मैं आपके जो आपने अभी मैं आपके मैसेज नहीं देख पाऊँगा क्योंकि मैं सिर्फ काम में ही व्यस्त हूँ। तो आपके मैसेज जो भी होंगे, जिसके भी कोई क्वेश्चंस होंगे, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा क्लास के बाद में, टेंशन मत लीजिए। आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका मैं ज़रूर उत्तर दूंगा, पर अभी फ़िलहाल जो है मैं थोड़ा सा यही है कि मेरा ध्यान सिर्फ इसी में है कि कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए और पूरा आपको अच्छे से सीखने को मिल जाए। तो चलिए ग्रीन लगा दिया है। ग्रीन लगाने के बाद में, अच्छा मैंने ये बताया कि ये मैं एक ही कलर में करूँगा, ये मैं रेड कलर, जो ये चुन साड़ी है ये रेड कलर की है, पर मैं रेड कलर इस्तेमाल नहीं करूँगा यहाँ पे, एक ही कलर। अच्छा चलिए ऊपर जो है ये बना देते हैं यहाँ पे, जो ग्रेप्स, सॉरी सॉरी, किसी का कॉल आ गया तो डिसकनेक्ट हो गया। तो चलिए मैं बताने वाला था कि ये जो यहाँ पे ऑरेंज है या एप्पल है ये पता नहीं चल रहा, तो हम जैसा है वैसे ही कलर देंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑरेंज और ऑरेंज में थोड़ा सा ब्राउन कलर मिला लेते हैं, तो इस जगह हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे, ठीक है। अगर ये एप्पल होता तो थोड़ा सा ये रेड कलर में होता, पर ये एप्पल नहीं है, इसमें जो लाइनिंग दी हुई है तो उससे पता चलता है कि या तो ये नींबू हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम जो भी हो ऐसे ही कलर देंगे यहाँ पे। अब इसमें थोड़ा सा लाइट कलर देंगे, तो हल्का सा हम येलो कलर ले रहे हैं, येलो और ये वाइट, येलो को थोड़ा सा वाइट के साथ लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा ये कलर ले लेना है और इस कलर को मिक्स कर देना है यहाँ पे थोड़ा सा। ये जो रिंकल हैं इसमें भी थोड़ा सा हम डार्क कलर लगाएंगे, और बाकी पार्ट पे थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लगा देते हैं। फर्स्ट कोट में देखिए ज़्यादा एकदम क्लियरिटी नहीं आती है, ठीक है। तो हल्का हल्का हमें एक कोट वापस करना है तभी ये आएगा, और अब अगले संडे तक तो पॉसिबल नहीं होगा वापस इसको दिखाना, पर अगर बीच मुझे टाइम मिला तो मैं और ज़रूर लाइव आ जाऊँगा। तो चलिए ये पार्ट कर लेते हैं। अब पार्ट बचा है अपने पास यहाँ पे, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं, हल्का सा डार्क करके यहाँ पे एक साइड में डार्क कलर देना है यहाँ, और इसमें जो है यहाँ एक रिंग टाइप में है, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, तो अभी पूरा दिखा पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। मैं थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट दे के और हल्का हल्का आपको अवगत करा देता हूँ, मतलब इसमें आपको महसूस हो जाएगा, बाकी तो डिटेलिंग बाद में निकालेंगे इसकी। तो हल्का सा ये डॉट्स बना करके कान का यहाँ पे, अभी फुल फाइनल नहीं बना रहा हूँ। चलिए यहाँ पे भी जो है ये लाइट कलर के आएंगे, तो अभी मैं लाइट कलर ले रहा हूँ, लेमन येलो लिया मैंने यहाँ पे भी। और अब ये पूरा पार्ट ही मुझे एक ही कलर से देना है, तो इसमें ऑरेंज कलर हल्का सा डार्क कलर ले रहा हूँ, ऑरेंज ऑरेंज और थोड़ा सा ब्राउन, ठीक है, ऑरेंज थोड़ा सा ब्राउन। तो यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर करना है, और इसके नीचे नीचे जो है थोड़ा सा डार्क दे देना है, यहाँ पे जो रिंकल है यहाँ पे हल्का हल्का इधर डार्क देना है, ठीक है। बाकी पार्ट जो है यहाँ पे लाइट आएगा, हल्का सा पार्ट, ये बाजू का पार्ट हो गया, बाजू से
यहाँ का पार्ट थोड़ा सा लाइट रहेगा, हल्के से रिंकल दिखाने यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक रिंकल इस तरीके से, और ये कपड़ा यहाँ से ही फोल्ड होके जाएगा, ये थोड़ा सा इधर बनाना है हल्का सा, इसको मैं दूर कर देता हूँ। यहाँ से ही कपड़ा वापस फोल्ड करके ऐसे घूम के आ रहा है इस तरीके से, और यहाँ पे छोटे छोटे दो रिंकल बना देना। चलिए और थोड़ा सा डार्क कलर वो इस तरफ लेना है, यहाँ पे हल्का हल्का डार्क कलर है, तो मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे हम येलो कलर से बना रहे हैं, एक लाइन आपकी यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर देना है और थोड़ा सा इस तरफ डार्क का इफेक्ट देना है। फिर ये बाजू जो है यहाँ से कंधा है, तो हल्के हल्के कलर यहाँ पे ऐसे घुमा देना है, इसके कुछ रिंकल इस तरीके से आप दे सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लाइट करके कुछ आप लाइनिंग ऐसे दे दीजिए इस तरीके से, तो ये कपड़े का इफेक्ट ऐसा आ जाए। यहाँ थोड़ा सा डार्क कर दें हल्का सा इस तरफ, और ये पार्ट जो है हम बाद में बनाएंगे इसका। चलिए अब हम सिर्फ एक कलर लेंगे येलो। अच्छा बॉडी कलर एक और रह गया, सॉरी यहाँ पे और बॉडी कलर है, तो थोड़ा सा ये बॉडी कलर यहाँ पे लगा देता हूँ इसके पास पास, थोड़ा बीच में हल्का सा लाइट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा बड़ा ब्रश लेकर के हम प्लेन कलर करेंगे, तो इसमें थोड़ा मैं यहीं पे मिला देता हूँ थोड़ा येलो कलर, येलो लेना है आपको और थोड़ा वाइट डाल देना है, वाइट ले लेना और थोड़ा सा येलो, तो आप यहाँ पे प्लेन कलर भर दें हल्का हल्का, यहाँ पे डाल दें कलर। और थोड़ा सा वाइट लेना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें लिंसेड ऑयल डाला मैंने और हल्का सा येलो कलर और लिया, तो यहाँ हल्का सा लाइट कलर और यहाँ पे थोड़ा सा लाइट दे दीजिए इस तरीके से। इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा लाइट, और यहाँ पे भी आप प्लेन ही कर दीजिए कलर, यहाँ पे हल्का हल्का प्लेन कलर, थोड़ा बहुत जो है आप वाइट लेकर के, और यहाँ पे जो हल्के हल्के ऐसे रिंकल दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, पर फर्स्ट कोट में कोई बेनिफिट नहीं है, सेकंड कोट में ही वो निकल के आएंगे, तो आप यहाँ पे प्लेन कलर कर दें और ये लाइट कलर, यही लाइट कलर जो है आपका थोड़ा वाइट डाल के यहाँ पे लाना है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये कपड़ा आएगा, फिर यही कपड़ा नीचे इस तरफ आ रहा है, बीच बीच में फ़ोन कॉल आ रहे हैं तो डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक ही नंबर से काम करना थोड़ा मुश्किल है, तो हल्का हल्का यहाँ पे मैं डार्क कलर कर रहा हूँ। चलिए इसके बाद यहाँ जो पट्टी है इसमें भी हम थोड़ा सा लाइट लेंगे, वापस से कई लोग क्या है कि एक बार कॉल कर देते हैं उसके बाद में फिर वापस रिपीट करते रहते हैं, हो सकता है कोई आदमी बिजी भी होगा, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ा सा आप डिस्टर्ब रहे हैं, हल्का हल्का यहाँ पे थोड़ा हम इसमें ऑरेंज ऐड कर सकते हैं इस जगह, थोड़ा सा ऑरेंज, ठीक है, ये रिंकल पे थोड़ा सा ऑरेंज लगा दें, और इसको छोड़ देंगे। अब ये जब सूखेगा उसके बाद में इस पे काम होगा, तो फर्स्ट कोट आपको ऐसे करके छोड़ देना, और अभी भी वापस आपसे वापस निवेदन है और रिक्वेस्ट मान लीजिए,
कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और लोगों तक पहुंच सकें और लोगों का भी भला हो सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे रिंकल दे देना है, हल्का सा कलर डार्क, और ये जो बाल हैं यहाँ पे ये बाद में निकलेंगे, तो एक बार तो ऐसे ही प्लेन कलर कर देते हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डार्क करना, उसके बाद में आप बीच में थोड़ा लाइट कलर ले सकते हैं। चलिए, और इसमें हम थोड़ा चेंज करेंगे ये वाला कलर। यहाँ पे एम्बोज करने के लिए हम ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। अब आते हैं बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में ये जो भी अपने पास कलर बचे हुए हैं ना, ये सब कलर हम बैकग्राउंड के यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्राउन, ऑरेंज, थोड़ा सा ग्रीन, ठीक है, ये सब कलर इसमें डाल देने हैं और यहाँ पे आपको लगा देना है, इसमें बैकग्राउंड बना देना है। बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा डार्क होगा तो ज़्यादा बेटर है। तो हम बालों के यहाँ आसपास में थोड़ा सा लाइट कलर लगाएंगे। यहाँ से थोड़ा सा टेपर कर देना है, ये बैकग्राउंड के साथ मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। वैसे तो थोड़ा लाइट कलर कर सकते हो आप, तो बाल के लिए यहाँ पे थोड़ा लाइट दिखा दें। और अब हम इस कलर को यहाँ पे मिक्स करें, थोड़ा सा डार्क कलर से आप एक बार यहाँ पे और कटिंग कर दें फेस के आसपास की। यहाँ से थोड़ा सा कट करना है, फिर ऐसे कटिंग करके छोड़ देना। ये जो बाल है यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिक्स कर रहा हूँ इस तरीके से, फेस की कटिंग कर दें। चलिए, यहाँ इतना हो जाए और थोड़ा सा इधर लाइट लगा देते हैं तो हमें दिखता रहेगा फर्स्ट फ्लोर भी। अब हम डार्क कलर यूज कर सकते हैं इसमें पूरे पे थोड़ा सा। तो इसमें थोड़ा ब्रंट टम्बर मिला रहा हूँ और थोड़ा सा ब्रंट साइना, ठीक है, हल्का सा इसमें ग्रीन भी टच दिया मैंने, हल्का सा ग्रीन और हल्का सा लिंसेडोल मिला लें, तीनों चारों कलर को मिला करके। और यहाँ पे आपको कलर डाल देना है, ठीक है, ये वाला ऐसे कलर लगा दे। थोड़ा सा काम हो रहा है, क्लास फिनिशिंग की तरफ है और 5-7 मिनट का काम है। तो इस तरीके से इसमें कलर लगा दें। चलिए, यहाँ पे कटिंग करते हैं थोड़ी सी। इस तरह से भी कटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़े छोटे ब्रश से करना है। यहाँ दो उंगलियाँ हैं, एक उंगली का ऐसे कटिंग करनी है। थोड़ा सा कलर और लगा लें,
और थोड़ा सा हम कलर ले रहे हैं ब्रंट अम्बर, थोड़ा सा ग्रीन टच कर दें, थोड़ा ब्रंट साइना मिला लें और हल्का सा लिंसेड ऑयल डाल लें, तो ये कलर आपको यहाँ पे लगा देना है, यहाँ से कटिंग कर दें। अच्छा, अभी क्या क्लास फिनिश हो रही है, कैसी लगी आपको क्लास? और जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है वो प्लीज़ शेयर की कर दीजिए। वैसे तो जिन जो लोग शेयर करते हैं पता चल ही जाता है कि किन किन लोगों ने किया है, तो ये भी पे आप कितना मेरे काम को पसंद करते हैं आपके जो शेयर करते हैं उसी से पता चलेगा, तो उसी से मैं भी मोटिवेट होता हूँ कि हाँ मेरा काम लोगों को पसंद आ रहा है और उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो आपका अगर बेनिफिट है तो आप भी एक देखिए कि थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिए, यही इतना सा आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं। तो ये अपनी मतलब एक ड्यूटी मान लीजिए, आपकी इस रिक्वेस्ट को ड्यूटी मान लीजिए और ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये जो पार्ट है यहाँ मैं डार्क कर देता हूँ इस वाले पार्ट को, यहाँ से हल्का सा डार्क किया मैंने, ठीक है, ये इसमें ले जाके इस तरीके से लगा था, थोड़ा सा चेंज किया मैंने। पहले वाला जो है इसमें जो रियल पिक में है यहाँ पे रेड कलर की है, और मैंने मैचिंग के हिसाब से थोड़ा सा येलो कलर डाला है, मतलब डिफरेंट टाइप का किया है। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे करते हैं, और कैसे लगी आपको, और आपके जो भी कमेंट्स होंगे वो मैं जो है क्लास के बाद में आपको उत्तर दूंगा, अभी तो क्या कि पॉसिबल नहीं है, तो बाद में ही मैं रिप्लाई करूंगा देख करके। और आप जो है ज़रूर अगर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए। तो ये है छोटी सी साइज़ की पेंटिंग है, ये इस तरह से 12x17 का एक साइज़ है, ये छोटी साइज़ का वर्क किया है, और कुछ डिफरेंट करने का था कि आज हम स्पेशल क्या करें, तो ये वाला वर्क किया है। चलिए आपसे विदा।